हेलो गाइस, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ निहार का कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम नीरज कुशवाहा है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो है आज हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 3 ही क्वेश्चन करवाए हैं और 3 ही क्वेश्चन मैंने डेस्कटॉप पर आपके करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो जरूर समझ में आए होंगे। तो सभी लोग एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसे कि आज भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूम रेंट के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? रूम रेंट के बारे में होगा। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम रेंट के बारे में, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि राम ने 3,000 रुपए से रूम रेंट दिया। क्या दिया? रूम रेंट दिया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, ये किस प्रकार से लगेगा? तो सभी लोग मुझे कमेंट कर बताइए आखिरकार जो ये रूम रेंट है तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। तो हमें डायग्राम किस तरीके से बनाना है? तो सबसे पहले जो हमारा डायग्राम बनेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे कि राम ने, किसने? राम ने क्या किया? राम ने 3,000 रुपए से, कितने से? 3,000 रुपए से। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 3,000 रुपए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन में पढ़ा है वो क्या पढ़ा हुआ है? जो ये 3,000 रुपए है, तो ये हमारे पास क्या है? क्या है ये 3,000 रुपए हमारे पास? तो जो हमारे पास 3,000 रुपए है, इसको हम लिख सकते हैं कैश। क्या लिख सकते हैं? कैश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैश। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? इसको हमने कैश लिख दिया। तो यहां पर ये क्या है? 3,000 रुपए। और क्या दिया नीचे? रूम रेंट। क्या दिया? रूम रेंट। क्या दिया? रूम रेंट। तो राम ने 3,000 रुपए से, कितने से? राम ने 3,000 रुपए से क्या दिया? रूम रेंट दिया। क्या दिया? रूम रेंट। कितने का? 3,000 रुपए का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राम ने 3,000 रुपए से रूम रेंट दिया। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? हमारा बिजनेस ओनर। क्या हो गया? बिजनेस ओनर हो गया ना। यहाँ पर ये क्या है? राम बिजनेस ओनर है। तो राम जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस ओनर ने क्या किया? 3,000 रुपए किसका रेंट दिया? रूम का रेंट दिया। तो सभी लोग अच्छे से समझना है इसको, ठीक है? क्या कैसे समझना है कि ये जो बिजनेस ओनर है, तो बिजनेस ओनर को हम क्या करेंगे? एक साइड रख देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जहां पर सिर्फ बिजनेस की जरूरत होगी या बिजनेस का नाम लिया जाएगा, किसका बिजनेस है ना, तो बिजनेस ओनर का हम वहां पर नाम लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, ये बिजनेस ओनर को हम एक साइड करेंगे और जो हमारे अकाउंट है, एक अकाउंट हमारा बन जाएगा कैश का। किसका बनेगा? कैश का। और दूसरा जो हमारा निकल के आया वो आया हमारा रूम रेंट का। किसका? एक तो हमारा कैश का आ गया, दूसरा आ गया हमारा रूम रेंट का। तो यहाँ पर जो रूम रेंट आ गया, अब सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे। तो नंबर एक में क्या हमारा कैश है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैश। क्या लिख देंगे? कैश। यहाँ पर हमने कैश लिख दिया। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट कहलाता है? देखो, कैश या चेक से को जब हम कोई भी वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु या संपत्ति को, है ना, करते हैं, तो उसका अकाउंट रियल अकाउंट में जाता है। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अभी तक हम लोग लगाते भी आए हैं, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन लगाया है, बैंक वाला क्वेश्चन लगाया है, तो उसमें कौन सा अकाउंट था? रियल अकाउंट। और कैश क्या हो रहा है? हमसे जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? हमसे जा रहा है। जब कैश हमसे जा रहा है तो ये कौन क्या हुआ? जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। यानी कि कैश क्या हो गया? हमसे चला गया। यानी हमने क्या दे दिया? रूम रेंट दे दिया। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा? रूम रेंट। क्या बनेगा? रूम रेंट। ये हमारा क्या आ गया? रूम रेंट आ गया। तो रूम रेंट क्या होता है? हमारा एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। यानी कि राम ने क्या किया? एक खर्च किया है। किस चीज के लिए? रूम रेंट के लिए। किस चीज के लिए? रूम रेंट के लिए। तो यहां पर हमारा क्या बन गया? एक कैश का बन गया और दूसरा हमारा किस चीज का बन गया? रूम रेंट एक्सपेंस। यानी ये हमारा एक्सपेंस किस अकाउंट पर चला जाएगा? आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा खर्च होता है, ये हमारा क्या है? रूम रेंट एक खर्च है। क्या है? एक खर्च है। क्या है? खर्च है। तो यह हमें क्या करना है? रूम रेंट ये हमारा खर्च हो गया, तो खर्च हमारा कौन से अकाउंट पर जाएगा? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट पर जाएगा। और बराबर इस खर्च जो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट में, यह आपका क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। यानी खर्च बराबर किस चीज पर आता है? डेबिट पर आता है। और इस पर हमारा देखो कैश का ऑलरेडी लेजर बना होगा और हमें रूम रेंट का बनाना होगा, तो ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किस पर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये लेजर बन जाएगा। इसमें सिर्फ आपका रूम रेंट का लेजर बनेगा और जो इसकी एंट्री है
वो एंट्री होगी आपकी F5, किस पर होगी F5 यानी पेमेंट वाउचर पर, किस पर पेमेंट वाउचर पर। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हेलो गाइस, आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ पर आया होगा। तो सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।